तो चलिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको MDU डिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इसके एडिशन चल रहे हैं और यहाँ पर आपको कौन कौन से मिलेंगे कोर्स और आपको यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो पूरा डिटेल से आपको गाइड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर यूनिवर्सिटी से वीडियो रिलेटेड मिलती रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डिस्टेंस एडमिशन की, तो यहाँ पर कौन कौन से डिस्टेंस से हमें कोर्स मिलते हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो कोर्स आता है वो आता है MBA। तो अगर आप लोग मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकेंगे। तो ये और आपको बता दूँ, ये कोर्स आपका 2 ईयर का रहेगा, लगभग 2 ईयर का कोर्स रहने वाला है और बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकेंगे। फुल टाइम में आपका ये कोर्स मिल जाता है आपको। BA करना चाहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो ये भी आपको फुल टाइम में मिल जाता है। अदरवाइज मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये भी आपको फुल टाइम में मिलता है ऑन कैंपस। MCA भी आपको यहाँ पर फुल टाइम में मिलेगा। लेकिन बात करते हैं BSc की, अगर आप BSc करना चाहते हैं यानी बैचलर ऑफ साइंस, तो ये आपको 3 ईयर का डिस्टेंस से मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ से BSc कर सकते हैं डिस्टेंस से। तो बात करते हैं BTM, ये आपको ऑन कैंपस मिलेगा, यानी कि आपको कैंपस में यानी कि रेगुलर से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट यानी कि PGDPRMM, तो 1 साल का कोर्स रहेगा और ये भी आपका रेगुलर से रहने वाला है। MBA की बात करते हैं, तो अगर आप लोग MBA में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये भी आपको रेगुलर से ही मिलेगा। अगर आप लोग BBA करना चाहते हैं तो BBA भी आपको यहाँ पर रेगुलर से ही मिलने वाला है और ये 3 साल का कोर्स होगा। बात करते हैं BCA की, BCA भी आपको यहाँ पर रेगुलर से 3 साल का कोर्स मिलने वाला है। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की, अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको ये 1 साल का कोर्स मिलेगा और यहाँ पर ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको लगभग 4 स्ट्रीम मिल जाएंगी। अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकेंगे। बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन करप्ट एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से कर सकेंगे रेगुलर से। बात करते हैं MBA की, अगर आप लोग MBA करना चाहते हैं तो MBA भी कर सकते हैं। आपको बता दूं ये 2 साल का कोर्स रहेगा और इसको आप रेगुलर से भी और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, यानी कि आप लेट वेट जा सकते हैं, अपने टाइम शेड्यूल चेंज भी करा सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये निकल के आती है कि आप यहाँ पर पार्ट टाइम कर सकते हैं, यानी कि थोड़े कुछ घंटे देने के बाद आप यहाँ पर कहीं और भी काम वगैरह हो जो भी आपका वो कर सकते हो आप। तो चलिए बात करते हैं BCom की, अगर आप लोग BCom करना चाहते हैं तो BCom भी आपको यहाँ पर डिस्टेंस से मिल जाता है। अगर आप लोग डिस्टेंस से करना चाहते हैं या फिर पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी हो जाएगा आपका, यानी कभी कभार आना जाना, रेगुलर क्लासे भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। बात करते हैं BJMC यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, तो अगर आप लोग BJMC करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से कर सकेंगे और ये 3 साल का कोर्स रहेगा, आप बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। और यहां पर ये आपको एक स्ट्रीम मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर आप लोग यहां से कोर्स करना चाहते हैं तो कर सके। बात करते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd, अगर आप लोग BEd करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से कर सकेंगे और ये कोर्स आपको 2 साल का मिलेगा, तो बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर डिस्टेंस से BEd भी कर सकते हैं। बात करते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये कोर्स भी यहाँ पर डिस्टेंस से मिलने वाला है। अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे, तो ये डिस्टेंस का सबसे बढ़िया कोर्स माना जाता है। बात करते हैं BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला यानी कि पैसे मिलने वाला ये कोर्स है आपका BHM, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको जितनी इनकम नहीं मिलती उतना आप टिप से कमा सकते हैं BHM में, और वो भी सो आपको यहाँ पर ये कोर्स डिस्टेंस से मिलने वाला है, तो बेस्ट कोर्स है। अगर आप लोग MA करना चाहते हैं यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो आप लोग ये डिस्टेंस से कर सकेंगे। अगर आप लोग मास्टर ऑफ ट्रेजर मैनेजमेंट यानी कि BTM, अगर आप लोग BTM करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकेंगे और ये कोर्स आपको 2 साल का मिलेगा और ये कोर्स आपको यहाँ पर डिस्टेंस से मिलने वाला है।
आपको यहाँ पर एक स्ट्रीम मिलेगा मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट। तो अगर आप लोग यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। बात करते हैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन यानी कि MJMC की, तो ये 2 साल का कोर्स मिलेगा और आपको यहाँ पर ये डिस्टेंस से मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि यानी कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन आप डिस्टेंस से भी कर सकेंगे। बात करते हैं MSc की, मास्टर ऑफ साइंस यानी कि मैथमेटिक्स से अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकेंगे बिल्कुल आसानी से, और आपको यहाँ पर ये कोर्स 2 साल का मिलने वाला है। MSc आपको यहाँ पर डिस्टेंस से भी मिल रहा है यानी कि BSc और MSc दोनों ही मिल रहा है अगर आप लोग यहाँ से एक कोर्स करते हैं। अदरवाइज पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं MRM यानी कि मास्टर ऑफ रूरल मैनेजमेंट। तो आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकेंगे, आपको यहाँ पर ये 2 साल का कोर्स मिलेगा, और अगर आप लोग डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से कर सकेंगे बिल्कुल आसानी से। तो अगर आप लोग MCOM यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं तो आप लोग मास्टर ऑफ कॉमर्स भी डिस्टेंस से कर सकेंगे, और ये कोर्स आपको यहाँ पर 2 साल का मिलने वाला है, और इसे अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से MHM करना चाहते हैं यानी कि मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो आपको यहाँ पर ये कोर्स भी डिस्टेंस से मिल जाता है अगर आप लोग डिस्टेंस से ये MHM करना चाहते हैं, यानी कि BHM और MHM आपको यहाँ पर डिस्टेंस से भी मिल जाता है अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की नई नई वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।